हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फिर से आईजीएल की। आईजीएल जो कि ऊपर के लेवल से फिर से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहां पर ये सपोर्ट ले सकता है, किस टाइप का चार्ट पैटर्न है और क्या रेजिस्टेंस लेवल से इसके बन रहे हैं जिसके बाद ये स्टॉक जो है रफ्तार पकड़ सकता है, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो मंथली चार्ट देखिए, इसके ऊपर जो आरएसआई है वो 40.64 के आसपास की है, यानी 60 से काफ़ी कम है। तो हमें 60 की आरएसआई एटलीस्ट चाहिए, तभी इसके अंदर कोई तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे, जो चार्ट स्ट्रक्चर है मंथली चार्ट पे, देखिए इस टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये लॉन्ग टर्म का है, 2012-13 से आप देख रहे हैं इस टाइप के चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर स्टॉक ने जो है मूवमेंट दिया है। यहाँ पर बार बार इसने जो है रेजिस्टेंस फेस किया है ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे। देखिए मंथली चार्ट के ऊपर इस टाइप की इसने सपोर्ट्स ली हैं, बट यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर इसने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है और काफ़ी मंथ से इस लाइन के नीचे ही बना हुआ है। तो आने वाले टाइम में जो पहले सपोर्ट लेवल था, अब एक रेजिस्टेंस की तरह इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। और आप देखेंगे किसी भी जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले हमें कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। ऊपर तक स्टॉक जा जरूर रहा है, बट इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ रही है। सेकंड हम देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट पे देखेंगे आरएसआई सिर्फ 39 की है, यानी 60 की आरएसआई हमें चाहिए इसके अंदर स्ट्रेंथ के लिए। तो नियर टर्म में देखेंगे किस टाइप से स्टॉक काम कर रहा है। तो अब देखिए नियर टर्म में स्टॉक जो है इन्हीं लाइन के ऊपर जो है एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था, बट यहाँ पर देखिए नीचे के लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, अगेन जो है स्टॉक बाउंस हुआ और यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंसेज इसने फेस किए। तो मल्टीपल टाइम आप देखेंगे वीकली चार्ट पर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस इसने लिए हैं। नीचे के लेवल से देखेंगे इस टाइप से स्टॉक जो ऊपर जा रहा था, यहाँ पर फिर से एक ब्रेकडाउन हुआ। स्टॉक को यहाँ पर बेस बनाना चाहिए था, यहाँ पर भी इसने ब्रेकडाउन दिया। तो दो ब्रेकडाउन इसके हुए हैं और उसके बाद देखिए स्टॉक के अंदर ये जो लेवल है अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी स्टॉक अब इसके नीचे ही बना हुआ है। अगर नीचे के पैटर्न को देखेंगे तो इस टाइप का पैटर्न आपको दिखाई देगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट स्टॉक जो है ऊपर यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल किस टाइप का, कहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो क्लियरली देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है डेली चार्ट के ऊपर जो आरएसआई है वो 45 की है, 50 से ऊपर की आरएसआई चाहिए तभी शॉर्ट टर्म के अंदर कोई मोमेंटम बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का चार्ट पैटर्न है। सबसे पहले हमें चाहिए 392 के ऊपर की क्लोजिंग। 392 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है और स्टॉक फिर से 424 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है। बट नीचे के लेवल पर आपको जो नज़र रखना है वो 346 का लेवल है। अगर 346 के लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक और भी ज़्यादा वीक होगा। तो नीचे 346 और ऊपर 392 के लेवल पर नज़र रखिए। अगर 392 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा सेंटीमेंट हो सकता है और नीचे के लेवल पे 346 के आसपास नज़र रखिए। अगर उसको ब्रेक करता है तो काफ़ी वीक होगा। तो अभी स्ट्रेंथ इसके अंदर डेली चार्ट के ऊपर 50 से कम है, वीकली और मंथली चार्ट पे 60 चाहिए, वहाँ पर भी कम दिखाई देती है। अगर 2 आवर्स टाइम फ्रेम पर देखें तो इस टाइप से चार्ट फ्रेम आपको दिखाई देगा और आप क्लियरली देख सकते हैं जो स्टॉक है 400 के आसपास गया जरूर है। यहाँ पर देखिए पहला 392 के आसपास का जो है एक रेजिस्टेंस जोन है और उसके बाद जो देखेंगे 400 के आसपास का, अगर 400 को एक करता है तो स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम बन सकता है। बट 392 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके बाद 400 तक स्टॉक जाता जरूर है बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो 392 से लेकर 400 के आसपास का जो एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे आपको जैसे मैंने बताया 346 के आसपास नजर रखिए। अगर उसको ब्रेक करता है तो काफ़ी स्टॉक वीक हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कीजिए, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको रिस्क को मैनेज करके चलिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोअर लेवल पर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिल सके। अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए अगर रख सकते हैं तो टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ाइए, अच्छा रिवार्ड दे सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।